अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज का दिन और आज का व्लॉग कलेजी की रेसिपी के साथ है जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फ्रेश फ्रेश ताज़ा बकरा आया हुआ है तो उसकी अभी फ़िलहाल हलाल होने की तैयारी हो रही है आप देख सकते हैं कि मुख्त किस्म के औज़ार जो हैं वो तेज़ किए जा रहे हैं हमारे घर में भाई ख़ुद कुर्बानी करते हैं तो एक आ, क्यूटू सा छोटा सा प्यारा सा बकरा आया हमारे पास तो मैंने कहा चले बकरे के भी साथ व्लॉग बना लेती हूँ वीडियो बना लेती हूँ अलॉन्ग विद इट्स क्लेजी तो ये देखिए इतना क्यूट सा मुझे इतना प्यारा आ रहा था इस पर वैसे ठंड भी थी और थोड़ा सा फर फर सा इसने अपने बाल खड़े किए थे तो जी आखिरकार इस क्यूटू से बकरे का ये हुआ बहरहाल जब गोश्त बन रहा था तो इसकी चांपें इसके कलेजी सब कुछ जब तैयार हो गए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है कि जब भी कुर्बानी होती है तो कलेजी सबसे पहले निकाल ली जाती है तो और वो बहुत मज़े की भी बनती है तो उसका जितना भी सामान था जितनी चीज़ें थी बनाने के लिए वो मैंने मंगवा ली जिसमें प्याज और धनिया शामिल था नीचे टक टक की आवाज़ें और ही थी और सबसे पहले मैं ऊपर कलेजी मैंने मंगवा ली विद सम सॉर्ट ऑफ गोश्त वो बाद में हम दूसरी डिश बना लेंगे बट सबसे पहले मैंने कहा कलेजी और इनको कलेजी को जो है है, वो यूटिलाइज किया जाए तो क्लेजी बनाने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें चाहिए एक बर्तन तो मुझे क्लेजी के इस स्पेशली नॉनस्टिक बर्तन अच्छा लगता है क्यों क्योंकि क्लेजी एक बहुत डेलिकेट टाइप ऑफ ऑर्गन है तो उसको बनाने के लिए मुझे ज्यादा एटीज में होती हूं नॉनस्टिक में तो वैसे दूसरे भी पड़े हुए हैं बट बहरहाल ये मुझे ज्यादा इजी लगता है तो मैंने इसको अपने कबर्ड से जो है निकाल लिया तो कलेजी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके अपने पास रख ली थी तो कलेजी बनाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप मैंने किया कि एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया जिसको मैंने बारीक और फाइनली चॉप कर लिया ताकि ये खड़ा खड़ा लंबा लंबा प्याज ना लगे तो आप देख सकते हैं कि टू टेबल स्पून ऑयल में मैंने थोड़े से दो जो कार्डिमम है इलायची है पाउडर डाल दिया देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लेवर छोड़ रही है तो साथ ही मैंने डाल दिया इसमें प्याज कार्डिमम की जो इलायची की खुशबू है वो सेपरेट ही होती है और बहुत फ्लेवर देती है तो जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन प्याज हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट एंड देन इसमें मैंने डाला दो टमाटो का आ, जो प्योरे है या फिर उनको मैंने अच्छी तरह पेस्ट बना के ग्राइंड कर लिया था एलोंग विद दही ठीक है इसमें मैं नमक बिल्कुल भी नहीं डालूंगी ठीक है रीज़न इज़ दैट कि वो कलेजी को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर लिया अब जब आप देख सकते हैं कि फिर दही का भी पानी खुश्क हो गया ऑयल भी ऊपर आके बबल्स बबल्स कर रहा है तो देन इसमें मैं डाल दूँगी कलेजी क्लेजी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसमें जब क्लेजी का कलर हल्का सा चेंज होगा नॉट दैट मच कि आप इसको फ्राई करें फ्राई बिल्कुल मत करिएगा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह मसाला बना के जब हल्का सा आप देख सकते हैं कलर इतना को चेंज हो तो मैंने इसमें जो जो, जो चीज़ें डाली हैं वो हैं लाल मिर्च हल्दी गर्म मसाला सूखी मेथी और एक मसाला मेरे पास अचार गोश्त का पड़ा हुआ था बहुत का जस्ट फॉर द फ्लेवर और मैंने थोड़ा सा डाल दिया तो ये मैंने इसको इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया अगेन नमक बिल्कुल एंड पर डालिएगा जब आप इसको निकालने लिटिल बिट ऑफ टेस्ट तो ये मैंने थोड़ा सा पानी का चींटा इसके ऊपर लगा दिया था ताकि जो है वो कीजिए और अच्छे तरीके से गल जाए ज़्यादा देर तक मत पकाइएगा वरना सब कुछ एक्स्ट्रा हार्ड हो जाएगा तो नमक मैंने अभी भी नहीं डाला बिल्कुल एंड पे जब मैं इसको उतारने लगी हूँ तब मैंने जो है वो नमक इसमें शामिल किया अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी वो जिंजर काट के और धनिया और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने काट के डाल दी ताकि जब मैं इसको मिक्स करूँ तो और हल्का सा ऊपर कवर करके रख दूँ तो इसके जितने फ़्लेवर्स हैं जिंजर के और धनिए के और मिर्चों के आपस में अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएँ और बहुत ख़ूबसूरत और मज़े का टेस्ट है और आपको पता चले कि हाँ भाई कुछ चीज़ बनी है तो देखें ये बहुत खूबसूरत सी मज़ेदार क्लीजी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है अब मैं करने वाली थी इसको डिश आउट तो एंड पे जी मैंने डाल दिया इसमें जस्ट सॉल्ट टू टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है मैंने नॉर्मल क्वांटिटी में रखते हुए ज़्यादा वन टी स्पून या हाफ़ टेबल स्पून आप डालें इसमें अकॉर्डिंग टू दैट ठीक है तो ये एंड पे हमारी जो क्लेजी है वो फुल रेडी हो गया मैंने इसका जो पानी है वो हल्का सा खुश कर लिया था और एंड पे मैंने लंबे लंबे जो जिंजर के पीसेस हैं वो काट लिए अलॉन्ग विथ सब्ज़ मिर्च तो वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी गार्निश करने के बाद इसमें जाएगा फ़्रेश सिलेंट्रो जो कि धनिया है होप आपको ये आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी जो कि हमने फ़्रेश बकरे से शुरू की और फाइनली उसकी क्लेजी पे ख़त्म हुई सो so, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़